अब सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की बनती थी कि पार्लियामेंट में आकर जनता को बताएं कि मणिपुर में क्या दिक्कतें हैं, क्या महिलाओं की परेशानी है, क्या वहाँ के लोगों की परेशानी है, उनको उन्होंने पार्लियामेंट में आना सही नहीं समझा, जिसकी वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करना पड़ा। आज वो इन सारे सवालों पे जवाब देंगे, मैं ये उम्मीद करती हूँ। ये बताएंगे कि महिलाओं पे इतने जघन्य अपराध हो रहे थे, ऐसा क्यों है कि ना गृह मंत्रालय ना वहाँ के मुख्यमंत्री किसी तरीके का संज्ञान ले पाए। मैं उम्मीद करूँगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताएंगे कि 150 से ज़्यादा जाने जा चुकी हैं, 100 दिन हिंसा के हो गए हैं, कि अब तक उन्होंने जवाबदेही क्यों नहीं तय हुई है। इतनी महिलाएँ हैं, लोग हैं जो रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं, उम्मीद से देख रहे हैं आपकी तरफ कि आप किसी न किसी तरीके से वापस वहाँ पे पीस रिस्टोर करेंगे। इन सारे सवालों के जवाब देंगे, यही आज उनकी स्पीच से उम्मीद है। अमित शाह जी ने राहुल गांधी को वार किया था, कहा कि 13 बार उनका करियर को लॉन्च कर चुके हैं, हर बार फेल होता है। मैं इस पे जवाब नहीं देना चाहूँगी। मुद्दा सिर्फ ये है कि मणिपुर की जनता को कब जस्टिस मिलेगा, वहाँ की महिलाओं को जस्टिस कब मिलेगा, कब वहाँ पर शांति बहाल होगी। मुद्दा ये भी है कि जिस तरीके से देश में अपराध बढ़ रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, जिस तरीके से हम देख रहे हैं अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, बढ़ता हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है, बढ़ती हुई महंगाई है, उन सारे सवालों पे जवाब दें। राहुल गांधी जी को लेकर वो टेंशन ना लें, वो जो भी होगा वो आने वाला समय जनता डिसाइड करेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।